जी भी आए हैं, एक बार उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बंसल जी, अदानी ग्रीन पर राय दें, काफी एक्टिव रहता है ट्रेडर्स रेडार पर और नतीजे भी अच्छे आए हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए? दीपांशु, अदानी ग्रीन में देखें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला लेवल है नीचे में सपोर्ट 1046 का, एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और ऊपर में इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1070 से लेकर 1075, 1070 से लेकर 1075 स्ट्रॉन्ग हर्डल है। कल भी इन लेवल्स के ऊपर गया था पर सस्टेन नहीं कराया, तो इस हर्डल पर नजर रखनी चाहिए। 1070 1075 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तब ऊपर का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, 1070 1075 ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, इसके ऊपर गया तो और मोमेंटम अदानी ग्रीन पर आते हुए दिख सकता है। गुड मॉर्निंग सर, स्टॉक का नाम है मयूर यूनिकोटर्स, कोटेड टेक्सटाइल आर्टिफिशियल लेदर के कंपनी कारोबार में है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, शानदार है, क्योंकि 25 साल से ज्यादा का अनुभव ये इस कारोबार में रखते हैं। दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां जिनकी ग्राहक सूची में शामिल है, और इनका ये ऑटोमोटिव सेगमेंट काफी शानदार है। ये कंपनीज जो है कार सीट कवर्स बनाती हैं, और वहां पर अगर आप देखें तो दिग्गज ओईएम्स हैं वो इनकी लिस्ट में शामिल है। साथ ही जो आफ्टर मार्केट है यहाँ पर भी इनकी पकड़ काफी बढ़िया है। फोर्ब्स एशिया टॉप 200 की लिस्ट में कंपनी शामिल है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर तेजी का सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो क्षमता विस्तार खर्च है वो पूरा हो गया, और अगर आप सितंबर 2020 के बाद से इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वहां से आपको एक बढ़िया टर्न अराउंड नजर आएगा। वहां पर Q3 FY21 में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, और ये प्रदर्शन आगे भी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कंपनी लगातार जो प्रोडक्ट इनोवेशन है इसके ऊपर काफी बढ़िया फोकस करती है। R&D पर करीब 1.5% आय का ये खर्च करते हैं, जिसके चलते देखिए नए प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, इनकी जो आय है वो इसमें एक इजाफा देखने को मिलता है। देखिए कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो तो काफी बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी बहुत शानदार है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी पर प्रमोटर का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2020 में अगर आप देखें तो करीब 61.48% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स होल्ड करते थे। मार्च 2021 यानी रीसेंट फाइलिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 61.56% के आसपास प्रमोटर की बढ़कर हिस्सेदारी होगी है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बढ़िया बात यह भी है कि जो DIIs है इसका कंपनी पर भरोसा काफी ज्यादा है। दिसंबर में देखिए करीब इनके पास होल्डिंग थी 1.66%, और मार्च 2021 का जो आंकड़ा है वो शानदार नजर आता है, क्योंकि DIIs का भरोसा काफी ज्यादा है इस कंपनी पर। 3.96% के आसपास जो है DIIs इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कंपनी के जो कारोबार है वो हाई ग्रोथ बिजनेस है, और हाई ग्रोथ बिजनेस आपको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पर फिलहाल मिल रहा है। कंपनी का साइज ही अगर आप देखें तो अपने आप में बहुत ही आकर्षक है, केवल 2000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, और कैश रिच कंपनी है अनिल जी, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच भी है, और कैश और इन्वेस्टमेंट्स की अगर आप वैल्यू निकाल के देखेंगे तो करीब 45 रुपए प्रति शेयर के आसपास आती है। कंपनी पर कर्ज नहीं है जैसा कि मैंने बताया, और अगर आप ROE का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऑलमोस्ट 18 से 20% का है, 18 से 20% की ROCE भी कंपनी एंजॉय करती है। तो हर लिहाज से अगर आप देखें तो मयूर यूनिकोटर्स शानदार कंपनी है और बढ़िया रिटर्न देगी। ओके, तो मयूर यूनिकोटर्स बढ़िया कंपनी है और अच्छे रिटर्न्स भी आ सकते हैं इस काउंटर के लिए। अनिल जी, कैसे देखें इस कंपनी को? ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है, हमारे एनालिस्ट के भी रेडार पर आ चुकी है, आपको क्या पसंद है इसके बारे में सर? दीप, दो तीन चीजें बड़ी पसंद है इस कंपनी के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये कि ये मोनोपोली बिजनेस टाइप का है, जो PVC लेदर बनाने का, आर्टिफिशियल लेदर जिसको कहते हैं, जो गाड़ियों की सीट वगैरह कवर में इनमें सब में काम आता है, जो आपके सोफा वगैरह दूसरे जो फर्नीचर होते हैं उनमें काम आता है। तो लेदर के बजाय वो आजकल वैसे भी है ना, वो पूरी दुनिया में ट्रेंड भी है कि भाई आप लेदर का इस्तेमाल न करें, जानवरों पर बेरहम न हो, आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल करें। तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप का बिजनेस है इसका, और सबसे बढ़िया बात है कि इस बिजनेस में मार्जिन बहुत ज्यादा रहते हैं, इनके लिए हाई मार्जिन बिजनेस है। तो और आप देखिए इनके क्लाइंट्स में देखें तो दुनिया भर की दिग्गज ऑटो कंपनियां हैं, फोर्ड, डेमलर, क्रिसलर, लंबी लिस्ट है, जो प्रीमियम गाड़ियां बेचने का जो कारोबार करती है वो सारी कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। तो अच्छे बिजनेस में अच्छी पोजिशनिंग है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये दीप कि अगर आप ये देखेंगे तो इसके बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है। अगर आप देखिए
कैश लेवल अगर बैलेंस शीट में लगभग आप 185 करोड़ के हैं। कंपनी ने 105 करोड़ का एक्सपांशन प्लान किया था और डेट है खाली 42 करोड़ का, यानी कि आधे से ज्यादा एक्सपांशन प्लान कंपनी ने अपनी कमाई से ही पूरा कर लिया। और जो 42 करोड़ का डेट है उसके सामने भी 180 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है, यानी कि नेट कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है एक तरह से आप कह सकते हैं। जब मजबूत बैलेंस शीट हो तो आगे अगर आपको एक्सपांशन प्लान करना है तो भी अच्छा है और आपके कैश फ्लोज भी स्ट्रांग रहते हैं, तो वो दूसरा एक बढ़िया कारण है जिसकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ा और एक और इंटरेस्टिंग कारण जो है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। वैल्यूएशंस बहुत ही बढ़िया है इस वक्त कंपनी के लिए। आप देखिए इस साल की ईपीएस लगभग 28 रुपए करेगी कंपनी और अगले साल वित्त वर्ष 2023 की ईपीएस जो होगी वो 40 रुपए के आसपास होगी। 40 रुपए की ईपीएस, 450 रुपए का स्टॉक 500 रुपए का 10-11 के मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। आज के जमाने में क्वालिटी मिड कैप कंपनियां कहां आपको 10 के पी मल्टीपल पर मिलती है, तो ये एक अच्छा री रेटिंग कैंडिडेट आपके लिए हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली अब इसके बढ़ने के कारण क्या हो सकता है और इसका टारगेट भी आप नोट कर लें, 600 से 700 रुपए का आप प्राइस टारगेट इसके लिए लेकर चलें। और क्यों हो सकता है वो बताता हूं। एक बड़े फॉरेन फंड की तरफ से लगातार स्टॉक में सेलिंग थी और धीमे धीमे करके वो अपनी सारी की सारी सेलिंग खत्म कर चुके हैं। उनकी सेलिंग खत्म होने के बाद हाल ही में प्रमोटर्स की तरफ से एक छोटा ही सही कंपनी की तरफ से बायबैक भी आया था, वो बायबैक भी पूरा हुआ। तो जो कुछ स्टॉक पर दबाव था काफी समय तक सेलिंग की वजह से, फंड्स की सेलिंग की वजह से, वो सेलिंग पूरी हो चुकी, कंपनी ने बायबैक भी कर लिया और अब यहाँ से एक बढ़िया टर्न अराउंड करने के लिए तैयार। और इससे पहले कि अगली 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए उससे पहले ही आप यहाँ पर निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जैन साहब का फेवरेट स्टॉक है, राजस्थान की कंपनी है, 9:30 बजे जब जैन साहब जेम्स के लिए आएंगे उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी राय लेंगे। मुझे याद है शायद अविनाश जी ने भी इसे रिकमेंड किया, ये या फिर पीआई इंडस्ट्री, दोनों में से कुछ तो अविनाश जी को पसंद है, एक बार मैं पूछ के देखता हूँ। अविनाश जी क्या आपके भी रडार पर है मयूर यूनिकोटर्स या फिर पीआई इंडस्ट्री? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी दोनों स्टॉक्स काफी पसंद है और जैसे आपने कहा कि मयूर यूनिकोटर्स एक बहुत ही वेल पोजिशनड ऑटो एंसिलरी है, बहुत अच्छे मार्जिन कमाती है, तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट वाला ग्रेट स्टॉक है। और जैसे आशीष ने कहा कि हर पैरामीटर पे कंपनी बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे वैल्यूएशंस इन्वेस्टर्स के फेवर में है, तो मयूर यूनिकोटर्स मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल लग रही है। और पीआई इंडस्ट्रीज भी अच्छी है, लेकिन आई थिंक ऑटो एंसिलरीज में मयूर यूनिकोटर्स आपका आज का पिक मुझे लग रहा है अच्छा खासा अपसाइड इन्वेस्टर्स को देना चाहिए। ओके, ये है यहाँ से भी अच्छी मजबूती हो सकती है। इस मजबूती में दो लोगों का और योगदान है, एक तो है बंसल जी और दूसरे हैं सिमी जी, दोनों ने एक साथ पिक ऑफ द डे के तौर पर 27 अप्रैल को ये स्टॉक रिकमेंड किया था, 27 अप्रैल। तो सिमी जी भी हमारे साथ है, बंसल जी भी हमारे साथ है। सिमी जी बताएं आप क्या अब भी पसंद है आपको मयूर यूनिकोटर्स और क्या है आपके बड़े टारगेट्स? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे तो अभी भी पसंद है। इनफैक्ट 27 अप्रैल को मैंने और राकेश जी ने दोनों मिलकर मयूर यूनिकोटर्स का खरीदारी का सजेशन दिया था, मेरा टारगेट तो उसी दिन हासिल हो गया था, 510 के आसपास ओपन होके नीचे आ गया था। राकेश जी का टारगेट अभी भी बाकी है, 525 का टारगेट शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। मैं भी राकेश जी के साथ अभी बिल्कुल सहमत हूँ, 525 का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो आपने कहा है कि नेक्स्ट एक साल में 650 से 700 का टारगेट एक्सपेक्ट करके करंट लेवल पे भी खरीदा जा सकता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत छोटी मोटी डीप अगर मिलता है, 450 के आसपास भी मिलता है तो भी ये स्टॉक खरीदने जैसा ही है। 650 से 700 का टारगेट रखना है, साल भर का नजरिया है, बिल्कुल खरीद के चलिए, कोई टेंशन नहीं। Okay,